हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे एग्जैक्टली कार्बोकैटायन आपके क्या होते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपके साइड डाउट क्लियर करेंगे इस टॉपिक से रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो एग्जैक्टली कार्बोकैटायन आपका क्या होता है? तो कार्बोकैटायन आपका ग्रुप ऑफ एटम होता है, यानी ग्रुप एटम का, जिसके अंदर आपका जो कार्बन एटम होगा उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम होता है उसकी बाहर वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कार्बन एटम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको हम सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और बेटर तरीके से समझते हैं, देखो डेफिनेशन पढ़ो, सबको समझ में जाएगा आपको। तो कार्बोकैटायन सिंपली आपका क्या है? अ ग्रुप ऑफ एटम, यानी ग्रुप एटम्स का विच हैव, जिसमें आपका क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम होगा, यानी ऐसा कार्बन एटम होगा जिसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम होगा उसके पास क्या होगा? सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इन इट्स वैलेंस शैल, उसकी बाहर वाली शैल, यानी वैलेंस शैल में सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब सेक्सटेट का मतलब क्या होता है? सेक्सटेट का मतलब होता है 6 इलेक्ट्रॉन, यानी बाहर वाली शैल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आपका ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? बाहर वाली शैल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। ऐसे सेक्सटेट का मतलब होता है 6 इलेक्ट्रॉन होना। तो सिंपली कार्बोकैटायन आपका क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है, जिसके अंदर आपका जो कार्बन एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस कार्बन के पास बाहर वाली शैल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी आपका कार्बोकैटायन बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन क्या है? तो इसका फॉर्मेशन होता है बाय हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड की हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों, आपको आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दो एटम के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है आपका दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। पहला आपका होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा आपका होता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में आपका क्या होता है? बॉन्ड टूटने के बाद दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस चले जाते हैं। और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में आपका क्या होता है? बॉन्ड टूटने के बाद दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेके चला जाता है, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो एटम आपका लेके जाता है वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब मैं सारा कॉन्सेप्ट आपका एग्जांपल से क्लियर करता हूं, देखो अब आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। अब यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में हमने यहां पे मान लिया एक मॉलिक्यूल ले लिया CH3Br। तो हमने यहाँ पे क्या किया? CH3Br का एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब आपको CH3Br के अंदर कार्बन और ब्रोमीन के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा होगा। इस बॉन्ड का मतलब क्या है? इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर किसका है? ब्रोमीन का है। अब ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, इसी बॉन्ड की आपकी क्या होगी? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी, यानी बॉन्ड टूटने के बाद दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले लेगा, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वो एटम लेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब आप सबको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके क्या है? हैलोजन है, और इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड टूटने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ब्रोमीन लेगा, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे दिखाना है? ऐसे दिखाना है, जो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ आपको हेड रखना है, इस तरीके से आपको मूवमेंट दिखा देना है। यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आपका ब्रोमीन ले रहा है। अब आपको कैसा नजर आएगा? देखो CH3 बच गया यहाँ पे। अब कार्बन के ऊपर यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक ब्रोमीन का था, लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? ब्रोमीन ने ले लिए। तो यहाँ पे कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आपका ब्रोमीन के ऊपर आएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का था, और एक किसका था? कार्बन का था। इसने कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आपका क्या बन गया? कार्बोकैटायन बन गया। देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये वाला जो कार्बोकैटायन, इसका नाम है मिथाइल। CH3 आपका क्या होता है? मिथाइल कार्बोकैटायन, इसका नाम है मिथाइल कार्बोकैटायन। आप इसे और अच्छे से समझ सकते हो अगर इसमें आपको ओपन करके दिखाऊं तो। CH3 का मतलब क्या है? CH3 1, 2, 3, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कार्बन के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो देखो कार्बन से हाइड्रोजन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने हाइड्रोजन से शेयर कर रखा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे कार्बन के पास। अब ऐसे इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन शेयर कर रखा है, तो 2 ही होंगे। ऐसे 2 यहाँ पे हो जाएंगे, तो 2, 2, 4, 2, 6, तो यहाँ पे कार्बन के पास आपके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने ये तो बताया था कार्बोकैटायन आपका क्या है? ग्रुप होगा एटम्स का, जिसके अंदर कार्बन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, और उस कार्बन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब लास्ट में अगर हम बात करें कार्बोकैटायन की शेप और हाइब्रिडेशन की, तो देखो कार्बोकैटायन की शेप आपकी कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप बिल्कुल पंखे जैसी होती है, बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने बना रखी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड के बीच का यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है, बिल्कुल पंखे जैसी शेप होगी। और लास्ट में अगर हम बात करें कार्बन की हाइब्रिडेशन की यहाँ पे, तो कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडेशन होती है sp2। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम सीखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकैटायन के बारे में, और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, वो वाली वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। सो बाय, लव यू गाइस।